ओके तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम बेबी डॉज कॉइन के कुछ मेजर अपडेट्स और कुछ व्यू पॉइंट ऑफ बाइनांस लिस्टिंग के भी बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कल काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी बेबी डॉज से भी और आई थिंक क्रिप्टो इंडस्ट्री पूरी क्रिप्टो मार्केट से भी। उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहली बार चैनल पर इसके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जो ये फॉलो करना, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों कल मॉर्निंग की वीडियो में मैंने आप सभी को ये चीज तो कंफर्म कर ही दिया था कि मार्केट पूरा डिपेंड करेगा न्यूज पे जो कि FOMC की आने वाली है। वो न्यूज जिस तरफ मार्केट को मोड़ेगा, मार्केट उस तरफ जाएगा और जैसा वो न्यूज चाहेगा वैसा मार्केट को घुमा सकता है। और वही चीज हुआ भी। जी हाँ दोस्तों, बेबी डॉज कॉइन का भी कल जो अनाउंसमेंट थी लगभग 7:30 के 8:15 के करीब, और वो अनाउंसमेंट आई भी, लेकिन हमें कोई ज्यादा हलचल नहीं देखने को मिला। 5 अक्टूबर का डेट यहाँ पर रखा गया है जब जो है बेबी डॉज कॉइन का स्वैप ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। कोई असर दिखा? नहीं दिखा, बिकॉज FOMC की मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर भी जो है 75 BPS रेट हाइक किया गया, यानी कि यहाँ पर से जो है मार्केट वोलेटाइल मूव और साइडवेज में चलना था और वो चला, थोड़ा सा डंप एंड पंप, यानी कि नीचे वाले को भी लिक्विडेट किया, ऊपर वाले को भी लिक्विडेट किया और फिर साइडवेज में चलना स्टार्ट कर गया। बट यहाँ पर बात आती है हमारे बेबी डॉज से रिलेटेड, क्योंकि कल जो मैंने आपको बताया था कि भाई प्रॉफिट अगर 40-50% मिल जाए तो बुक कर लेना, वो तो हुआ नहीं। तो काफी ज्यादा ये भी कमेंट आ रहे थे कि भाई नहीं हुआ नहीं, लेकिन मैंने ये भी आप सबको साथ साथ बोला था कि मार्केट पूरा डिपेंड करता है। अगर वही 100 BPS का अगर अधिक रेट हाइक होता तो और भी ज्यादा बुरा हाल होता मार्केट का, और वही अगर 50 BPS अगर रेट होता तो काफी अच्छा पंप होता और हमारा बेबी डॉज इकोनॉमी लगभग 2 की सीरीज में जाता हुआ देखने को मिल सकता। बट ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हमें अभी भी पैनिक नहीं होना है, हमें जो है पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करना है। बिकॉज आज आप देख रहे हो आज इवनिंग में लेट सवेरे अभी टाइम तो नहीं दिया है, बट दोस्तों आज जो इसका 3D NFT लाइव हो जाएगा, बेबी डॉज कॉइन का स्वैप जो है 5 अक्टूबर को लाइव हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका यूज केस बढ़ रहा है। बर्निंग भी 7 ट्रिलियन ऑलरेडी 24 आवर के अंदर हुआ है, और दोस्तों मेरा अनुमान है कि बर्निंग या तो इस महीने अगर नहीं होता है तो कहीं अगले महीने जो है ज्यादा टोकन कहीं मैनुअल बर्न कर दे। क्योंकि देखो मैं अभी भी इसके पक्ष में नहीं हूँ, कई मेरे भाई बोलते भी है, कमेंट में भी बोलते हैं यार मैनुअल बर्निंग लग रहा बंद कर दिया, नहीं करेंगे अब, तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है। बिकॉज कहीं पर भी ऑफिशियल न्यूज मैं जहां तक की जा पाया हूँ मुझे नहीं मिला, अगर आपके पास है तो मुझसे जरूर शेयर कर सकते हैं। कहीं पर भी बेबी डॉज कॉइन के चाहे ट्विटर प्रोफाइल से, चाहे इसके डेवलपर से या इसकी अथॉरिटी से, कहीं पर से भी ये न्यूज नहीं आया, ना ही ये मैसेज मुझे मिला कि हाँ भाई हम बेबी डॉज कॉइन का मैनुअल बर्निंग जो है वो ऑफिशियली बंद कर रहे हैं। तो जब तक ये चीज ऑफिशियल नहीं होता है तब तक इस पे बोलना थोड़ा सा यहाँ पर जो है ऑब्वियस बात है आप जानते हो भाई ठीक नहीं होगा। बिकॉज क्या पता कहीं अगले महीना ये इकट्ठा बर्न हो जाए, क्या पता आजकल परसों जब मार्केट अच्छा होगा तब बर्न हो जाए, ये पूरा डिपेंड करता है इसके डेवलपर से। हालांकि इसकी पूरी टीम, इसके डेवलपर सब बहुत एक्टिव है, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, रेगुलर ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, रेगुलर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, रेगुलर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज ला रहे हैं। तो हम जो, तो दोस्तों मैं जो हूँ ना काफी ज्यादा बुलिश हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी बेबी डॉज कॉइन को खासकर लेकर काफी बुलिश रहे, बिकॉज इसका फ्यूचर ब्राइट है। जैसे हमने डॉज कॉइन को मिस किया प्रॉफिट लेने से, शिवा को मिस किया, जैसे और भी काफी सारे क्वाइंस से हमने मिस किया, उससे भी प्रॉफिट मिल सकता था अगर हम अर्ली एंटर हो जाते, तो मैं नहीं चाहता कि मैं या आप जो है बेबी डॉज कॉइन को मिस करो प्रॉफिट लेने से। जी हाँ दोस्तों, क्या पता, देखो शिवा इन 2020 के अंदर आया था, साइड में था पूरा 1 साल लगभग वो साइड में था, आप जाके उसका हिस्ट्री देखना, मे बी आपको नहीं पता होगा। देन 2021 के बुल रैली के अंदर जो है ना उसके अंदर एकाएक हाई पाया और शिवा इनू मतलब अनबिलीवेबल प्रॉफिट दिया। जी हाँ दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिया, जिसने इनिशियल स्टेज पे बाय किया होता अगर 1,000 भी लगाया होता तो वो करोड़ों का प्रॉफिट ले गया होता और ले गया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये चीज है, ये नहीं कि बेबी डॉज कॉइन भी सैड डायरेक्शन में चला तो कभी उठेगा नहीं, बिल्कुल उठ सकता है। जब शिवा 1 साल के बाद दूसरे साल में प्रॉफिट दे सकता है तो क्या हमारा बेबी डॉज कॉइन नहीं दे सकता? डॉज कॉइन 2013 के अंदर आया और 2022 के अंदर लोगों को मालामाल किया, तो क्या हमारा बेबी डॉज कॉइन नहीं दे सकता? देगा, बट हमें थोड़ा पेशेंस रखना है, हमें थोड़ा वेट करना है। बाइनांस भी इसको लिस्ट करेगा, कुकॉइन भी लिस्ट करेगा, बड़े बड़े एक्सचेंजेस भी लिस्ट करेंगे, यूज केसेस का खुद ब खुद बढ़ रहा है तो क्यों नहीं करेंगे, हाइप भी बन रहा है, तो हमें बस वेट करना है, प्रॉफिट हमें मिलेगा। बस मैं ये नहीं चाहता कि
कि मैं मिस कर दूं इस अपॉर्चुनिटी को, आप मिस कर दो, इसलिए मेरा फोकस रहता है कि कम इन्वेस्टमेंट करके हम ज्यादा रिटर्न ले और बेबी रॉचकॉइन ये चीज करके दे सकता है। और भी काफी सारे क्वाइंस है जो कि मीम कैटेगरी के बेस्ट क्वाइन है, ऑलरेडी मैंने दूसरे चैनल क्रिप्टो इनकम पे हमेशा सजेस्ट करता हूँ और अभी मेरी वीडियो आप जाके वहां से वॉच आउट कर सकते हो, कौन कौन सा वो क्वाइन है, कौन कौन सा मीम टोकन्स है, टॉप 5 मीम टोकन्स जो आपको 2024-25 के अंदर बुल रैली के अंदर माला माल कर सकता है। मेक श्योर जाके जो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा हुआ। अगर हाँ, अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिला है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि मैं चाहता हूँ वो भाई जो बेबी रॉचकॉइन को लेके अगर पैनिक अभी क्रिएट कर रहे हैं या नुकसान में है और वो उसका दिल कर रहा है यार मैं लॉस कर दूं, तो वो कम से कम ना करे। ठीक है, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज कितना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।